Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we're going to discuss about some important apps that are very useful for the students. So let me tell you, इसमें जितने भी apps के बारे में बताऊँगी वो sponsored नहीं है, तो ये मेरा personal opinion है. And यही same video मैंने पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको useful apps के बारे में बताया था. So इनमें से कुछ apps हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए थे and इस video में भी मैं उन्हें cover करूँगी. सो यार, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप मुझे लगता है वो है NCERT ऑफलाइन सॉल्यूशंस. सो अभी जो टाइम चल रहा है वो सब ऑनलाइन चल रहा है, सो आई वुड सजेस्ट कि जो ऑफलाइन NCERT सॉल्यूशंस होते हैं ना उन्हें आप रख लो, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि हम नेट ऑन करते हैं एंड देन ऑब्वियसली वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव फेसबुक, वी हैव व्हाट्सएप, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आती हैं एंड देन वी जस्ट गो ऑन टू ऑल दीज ऐप्स. सो हम बिल्कुल भी भूल जाते हैं हम जो भी कर रहे होते हैं. सो मैं तो यार सिर्फ मैथ्स वाला ही यूज़ करती थी. इफ़ यू वॉन्ट तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला भी डाउनलोड कर सकते हो. सो लिंक्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. तो सबसे पहले तो जो हमारे ऑफलाइन सॉल्यूशंस वाले ऐप हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. लाइक मैथ्स में मैंने ट्यूशन नहीं लगाया था, तो मैंने जो ऑफलाइन सॉल्यूशंस वाले ऐप थे उन्हीं से अपने सारे क्वेश्चंस किए थे. देयर माइट बी वन और टू क्वेश्चंस जिनका मेथड आपको समझ में नहीं आए, बट रेस्ट वो ऐप बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने पर्सनली यूज़ किया था. बाकी आप अगर चाहो फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो वो आप डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो NCERT भी आपको मिल जाएगी. एक ऐप मिलेगा आपको जिसमें आपको पूरी NCERT मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो. वो वाला ऐप भी बहुत हेल्पफुल है इफ़ यू डोंट हैव बुक्स. बाकी मैं तो यही प्रेफर करती हूँ हमेशा कि जो आपके पास बुक्स हैं उन्हीं से पढ़ो, बिकॉज वहाँ पे आप मार्क भी कर सकते हो एंड फ़ोन में ही चल रहा है हमारा सब कुछ, तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन भी होता है. देन जो सेकेंड ऐप है वो है डाउटनेट. दो मैंने इसकी स्पॉन्सरशिप भी ले रखी है, बट राइट नाउ दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय इट. यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने आई गेस एक साल पहले अपलोड की थी, वहाँ पर भी मैंने आपको इस ऐप के बारे में बताया था, बिकॉज वो मैं पर्सनली खुद यूज़ करती थी एंड आई जस्ट थॉट कि अगर मैं एक पर्टिकुलर ऐप है जो खुद यूज़ करती थी एंड वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, सो वाई नॉट. तो बाकी जो वीडियोज़ हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं, बट दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो डाउटनेट ऐप है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. लाइक उसमें मैं जब भी, इवन अभी भी जब मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ एंड दे आर मेनी क्वेश्चंस जो मुझे खुद भी नहीं आते हैं, तो फोटो क्लिक करो एंड यू गेट इंस्टेंट सॉल्यूशन, सो व्हाट एल्स डू यू वांट. तो इसीलिए मुझे वो ऐप काफ़ी अच्छा लगता है. एंड जो थर्ड ऐप है ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, स्टिल मैं अभी भी इसे यूज़ करती हूँ, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग वोकैबुलरी एंड देयर सो मेनी न्यू वर्ड्स दैट आई एम लर्निंग दीज डेज. सो आई यूज़ द इंग्लिश ऑफलाइन डिक्शनरी ऐप. ये भी मैंने आपको पहले बताया था एंड दिस ऐप लाइक इट्स द बेस्ट, बिकॉज ऑफलाइन में आपको हर एक वर्ड का सोल्यूशन ये प्रोवाइड कर देता है. लाइक दीज डेज आई एम माइसेल्फ लर्निंग वोकैबुलरी, जो मैंने आपको स्टडी व्लॉग में भी शो किया था. सो आई एम यूजिंग दिस ऐप एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस क्लास 11th और 12th, आई डोंट रिमेंबर. सो 2 से 3 साल हो जाएंगे मुझे ऐप यूज़ करते हुए एंड आई रियली लाइक इट. सो इफ़ यू वॉन्ट कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सको, सो यू कैन गो फॉर दिस ऐप. एंड मैंने ऑनलाइन वाला क्यों नहीं बताया, सिर्फ ऑफलाइन वाला ही क्यों बताया, बिकॉज अगेन वही रीज़न है कि जब भी हम कोई ऑनलाइन वाली चीज़ देखते हैं सो वी गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड आई माई सेल्फ गेट डिस्ट्रैक्टेड. इसीलिए मैं हमेशा जो ऑफलाइन ऐप्स अवेलेबल होते हैं वही डाउनलोड करती हूँ. देन द नेक्स्ट ऐप इज़ ब्रेनली. सो कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर्स हमें चाहिए होते हैं एंड अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो ब्रेनली जो है वो आंसर आपको शो नहीं करता है पूरा, दे आस्क यू टू डाउनलोड द ऐप. तो इसीलिए मैंने ऐप भी रख रखा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं बीच बीच में, तो इसीलिए मैंने ब्रेनली ऐप रख रखा है, सो दैट मैं वहाँ पे क्विक सॉल्यूशन मुझे मिल जाए. एंड गूगल पे तो यार वो उतना क्लियरली शो नहीं करता है, कभी कभी हाइड कर देता है, इसीलिए मैंने ऐप इंस्टॉल कर रखा है. देन द नेक्स्ट ऐप इज़ कोरा. सो कोरा बहुत हेल्पफुल है. लाइक कोई भी क्वेश्चन अगर आप डाल रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत लोग के आंसर मिल जाते हैं आपको, सो यू गेट अ क्लियर विजन कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है. तो अगर आपको कन्फ्यूजन भी होगा तो वहाँ पे से आप क्लियर कर सकते हो, इसीलिए कोरा ऐप मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. बाकी ऐप उतना ज़्यादा अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो इट्स ओके, क्योंकि कोरा जो है अगर आप सर्च करते हो तो गूगल पे तभी भी आपको आंसर्स प्रोवाइड कर देता है, बट ऐप रखोगे तो ऐप के ऑब्वियसली अलग बेनिफिट्स होते हैं कि आपको गूगल पे सर्च करके फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसीलिए अगर आप ऐप इंस्टॉल करोगे सो दैट वुड बी गुड. इसके बाद कई सारे और भी ऐप्स होते हैं, लाइक अलार्मी होता है एंड कई ऐसे अलार्म्स होते हैं जो कि जब आप सुबह उठोगे तो एक पर्टिकुलर जगह पर जाके आपको फोटो क्लिक करनी है, सिर्फ तभी वो अलार्म बंद होगा. एंड सिमिलरली जो आपकी ग्रोथ रेट बताता है, टू डू लिस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं. लाइक इतने टाइम से जब मैंने वो ऐप्स यूज़ करे हैं ना, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है एंड आई रियली डोंट नो. लाइक मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डेफिनेटली बताया था दो ऐप्स के बारे में जो मैं यूज़ करती थी, एक जिसमें एक ट्री ग्रो होता है
लाइक आपको पता चलता है कि आपकी ग्रोथ रेट क्या हो रही है, कितना आपने फ़ोन चलाया, कितना नहीं चलाया. देन स्टे फोकस्ड भी होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो कुछ ऐप्स को आप ब्लॉक कर देते हो. सो यार मेरा ये मानना है कि वो ऐप्स भी आपको तब तक हेल्प नहीं कर सकते हैं जब तक आप खुद डिसाइड ना कर लो. क्योंकि अगर आपने सपोज डिसाइड कर लिया कि आप पढ़ रहे हो, आपने स्टे फोकस्ड ऐप खोला, देन उस ऐप को ब्लॉक कर दिया, एंड उस टाइम पे अगर आपको इंपॉर्टेंटली चाहिए होगा ना तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे. सो लाइक पहले मैं यूज़ करती थी, बट यार उस टाइम पे मैं खुद ही ऐसा रहता था कि मुझे फ़ोन चलाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता था. बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था 11th 12th में मैंने बहुत रेयरली फ़ोन यूज़ किया था. 10th तक तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, बट 12th में मैंने बहुत ही कम फ़ोन यूज़ किया था. मैं बस अगर मुझे कोई वीडियो देखनी है या सोल्यूशन देखना है सिर्फ तब देखती थी, एंड मैं फ़ोन में नेट भी नहीं डलाती थी कि मैं यूज़ करने लग जाऊँगी ऑनलाइन आ जाऊँगी करके. तो उस टाइम पे मैं उतना यूज़ नहीं करती थी. तो स्टे फोकस्ड अगर मैं ब्लॉक भी कर दे रही हूँ तो मेरा खुद ही मन नहीं करता था ऐप खोलने का. अगर आप वो यूज़ कर रहे हो एंड इट्स रियली हेल्पिंग यू, तो बहुत अच्छी बात है, आप उन ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हो. मैंने आपको बता दिया स्टे फोकस्ड होता है जिसमें आप ऐप ब्लॉक कर सकते हो. देन उसके बाद एक ट्री वाला ऐप आता है, आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम बट मैं पुट कर दूँगी, जिसमें आपको अपनी ग्रोथ रेट जो है पता चलती है. देन टू डू लिस्ट होता है, लाइक जो भी आपकी लिस्ट है पूरे दिन की, आपको क्या क्या काम करना है वो आप बना लेते हो. उसका भी मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपको एक पेन पेपर में ही बनानी चाहिए. लाइक मैंने एक डायरी ले रखी है तो मैं उस डायरी में ही अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ पूरे दिन की. सो जो चीज़ें मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से आपको बता रही हूँ वो यही है. इफ़ यू फाइंड दीज ऐप्स आल्सो वेरी हेल्पफुल, सो यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट. यू जस्ट हैव टू डाउनलोड इट, पसंद नहीं आया तो अनइंस्टॉल कर देना. सो दीज आर सम ऐप्स जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए. इफ़ यू लाइक देम तो इंस्टॉल करो, यूज़ करो. नहीं पसंद आएगा सो जस्ट अनइंस्टॉल देम, कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं है. बट डेफिनेटली जो मैंने आपको पहले 5 ऐप्स बताए हैं वो मैं खुद पर्सनली अभी भी यूज़ करती हूँ. सो दे आर रियली हेल्पफुल. एंड उसके बाद अगर कोई और भी ऐप है जो आप यूज़ करते हो एंड इट्स रियली हेल्पफुल, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन सो दैट और भी हेल्प हो जाए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप दिस वॉज यूजफुल. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.